फिर दोबारा वही परिस्थिति, अब सामने चुनाव। तो चुनाव होते हुए भी किसानों के साथ किस प्रकार से छल कर रहे हैं, ये तो देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भेदभाव, हमेशा हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं। किसान तो धान बेचेंगे, हम 20 क्विंटल खरीदेंगे क्या, हमने घोषणा की है, और उसको खरीदेंगे भी। 1 नवंबर से हमारी खरीदी शुरू हो जाएगी, उसके बाद केंद्र सरकार चावल ले ना ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम धान किसानों का खरीदेंगे 20 क्विंटल प्रति एकड़। अच्छा सर, ये बीजेपी अभी तो अमित शाह जी हर समय नाराज हो जाते हैं। भिलाई में आए थे, 40-50 हज़ार की भीड़ होगी, बोले 8-9 हज़ार भीड़ थी, 1 घंटा इंतजार करना पड़ा सभा के लिए। फिर अभी रात रात में आते हैं, घुड़की लगा के जाते हैं। अभी जब आरोप पत्र जारी करना था 10:30 बजे, वो 12 बजे शुरू हुआ, हाल भी नहीं भरा, बेहाल थे। सराई पालिंग सभा की स्थिति वही थी, वो आके सीधा जो कार्यक्रम नहीं था, फिर वापस गए कार्यालय में, फिर घुड़की लगा गए हैं। तो अभी डंडा मार मार के चलाए हैं, तो कहते हैं ना, सिखाए पूत पहाड़ नहीं चढ़ता। कितना भी कोशिश कर लें, अब वो ये मानसिक रूप से हार चुके हैं। लेकिन आरोप पत्र जारी किए, कम से कम ईडी आईटी वालों को बोल देते, भीड़ तो ऐसी हो जाती है। अपने मजबूत टीम का उपयोग नहीं किया।